पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ओपन पेज नंबर 79। इट्स पेज नंबर 79, द फुटबॉल मैच। फुटबॉल का मुकाबला या फुटबॉल का मैच। पेंसिल के साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग साथ साथ बुक पे लिखते जाएं ताकि बाद में जब आप याद करें तो आपके लिए आसानी हो। एवरी हर सैटरडे हफ्ते मिस्टर अमीन अमीन साहब एंड और मिस्टर रियाज रियाज साहब लाइक टू पसंद करते हैं वॉच देखना एक फुटबॉल मैच या मुकाबला। एवरी सैटरडे मिस्टर अमीन एंड मिस्टर रियाज लाइक टू वॉच ए फुटबॉल मैच। हर हफ्ते अमीन साहब और रियाज साहब फुटबॉल का मुकाबला देखना पसंद करते हैं। मिस्टर अमीन अमीन साहब ऑलवेज हमेशा रिमेंबर्स याद रखते हैं टू टेक ले जाना हिज अपनी अम्ब्रेला छतरी। अमीन साहब हमेशा अपनी छतरी ले जाना याद रखते हैं बट लेकिन मिस्टर रियाज साहब समटाइम्स बाज़ोकात फॉरगेट्स भूल जाते हैं टू टेक ले जाना हिज अम्ब्रेला अपनी छतरी। बट मिस्टर रियाज समटाइम्स फॉरगेट्स टू टेक हिज अम्ब्रेला। लेकिन रियाज साहब बाज़ोकात अपनी छतरी ले जाना भूल जाते हैं। लास्ट सैटरडे पिछले हफ्ते दे वो वेंट गए टू कोरंगी टू वॉच देखने के लिए ए फुटबॉल मैच एक फुटबॉल का मुकाबला। लास्ट सैटरडे दे वेंट टू कोरंगी टू वॉच ए फुटबॉल मैच। पिछले हफ्ते वो कोरंगी फुटबॉल का एक मुकाबला देखने गए। मिस्टर अमीन साहब रिमेंबर्ड याद रहा टू टेक ले जाना हिज अम्ब्रेला अपनी छतरी। मिस्टर अमीन को अपनी छतरी ले जाना याद रहा बट लेकिन मिस्टर रियाज साहब फॉरगॉट भूल गए टू टेक ले जाना हिज अम्ब्रेला अपनी छतरी। लेकिन रियाज साहब अपनी छतरी ले जाना भूल गए। मिस्टर अमीन रिमेंबर टू टेक हिज अम्ब्रेला बट मिस्टर रियाज फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला। अमीन साहब को अपनी छतरी ले जाना याद रहा लेकिन रियाज साहब अपनी छतरी ले जाना भूल गए। द मैच मुकाबला बिगेन शुरू हुआ एट 3 o'clock 3 बजे। मुकाबला 3 बजे शुरू हुआ। इट बिगेन शुरू हुई टू रेन बारिश होना एट 3:30 3:30 बजे। इट बिगेन टू रेन एट 3:30 3:30 बजे बारिश होना शुरू हुई। बिगेन शुरू होना। इट बिगेन टू रेन एट 3:30 3:30 बजे बारिश होना शुरू हुई। मिस्टर अमीन साहब ट्राइड कोशिश की टू हेल्प मदद करने की मिस्टर रियाज साहब की। मिस्टर अमीन ट्राइड टू हेल्प मिस्टर रियाज। अमीन साहब ने रियाज साहब की मदद करने की कोशिश की। ही ट्राइड उन्होंने कोशिश की टू होल्ड रखने की हिज अम्ब्रेला अपनी छतरी ओवर ऊपर मिस्टर रियाज साहब के। ही ट्राइड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला ओवर मिस्टर रियाज। उन्होंने अपनी छतरी रियाज साहब के ऊपर रखने की कोशिश की बट लेकिन मिस्टर रियाज साहब बास थे वेरी बहुत वेट भीग गए। बट मिस्टर रियाज वाज वेरी वेट। लेकिन रियाज साहब बहुत भीग गए थे। ही ट्राइड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला ओवर मिस्टर रियाज बट मिस्टर रियाज वाज वेरी वेट। उन्होंने अपनी छतरी रियाज साहब के ऊपर रखने की कोशिश की लेकिन रियाज साहब बहुत भीग गए थे। यू आपको मस्ट ज़रूर चाहिए गो जाना होम घर। यू मस्ट गो होम। आपको ज़रूर घर जाना चाहिए। आपको ज़रूर घर जाना चाहिए सेड कहा मिस्टर अमीन साहब ने। यू मस्ट गो होम सेड मिस्टर अमीन। अमीन साहब ने कहा आपको ज़रूर घर जाना चाहिए। तो हम ये थे हमारे आज के लेसन की ट्रांसलेशन।
सबसे पहले बच्चों आपने इनके तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो उर्दू में याद करने हैं। देन कॉपी के ऊपर एक साइड पे आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे इंग्लिश में और दूसरी साइड पे उनके उर्दू में मतलब याद करके ज़ुबानी लिखेंगे। देन अगर आप इजी फील करें तो उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे हाफ लेसन का उर्दू में तर्जमा याद करें और वो ज़ुबानी कॉपी पे लिखें। देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट हाफ का आपने उर्दू में तर्जमा याद करके वो ज़ुबानी कॉपी पे लिखना है, ताकि आपको बोझ भी ना लगे, आप थकें भी नहीं और आपके लिए आसानी से ये पूरा लेसन याद करने में सहूलत हो। नाउ लेट्स सी, अब आगे हमारे पास इसी लेसन से मुतल्लिक सवाल हैं। हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाब देना बहुत आसान है। जब आप तर्जमा याद कर लेंगे किसी भी लेसन का तो उसका आंसर करना आपके लिए एक सेटिंग का काम होता है। सो लेट्स सी, व्हाट डू मिस्टर अमीन एंड मिस्टर रियाज लाइक टू डू? अमीन साहब और रियाज साहब क्या करना पसंद करते हैं? तो हम इसका आंसर क्वेश्चन में से देखेंगे, विच विल स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर अमीन। मिस्टर अमीन एंड मिस्टर रियाज लाइक टू वॉच ए फुटबॉल मैच। मिस्टर अमीन एंड मिस्टर रियाज लाइक टू वॉच ए फुटबॉल मैच। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हु ऑलवेज रिमेंबर टू टेक हिज अम्ब्रेला? कौन हमेशा अपनी छतरी ले जाना याद रखता था? कौन हमेशा अपनी छतरी साथ ले जाना याद रखता है? मिस्टर अमीन। तो यहाँ पे हु की जगह लिखेंगे मिस्टर अमीन। मिस्टर अमीन ऑलवेज रिमेंबर्स टू टेक हिज अम्ब्रेला। नेक्स्ट, हु समटाइम्स फॉरगेट्स टू टेक हिज अम्ब्रेला? कौन बाज़ औक़ात अपनी छतरी ले जाना भूल जाता है? तो कौन भूल जाता है? मिस्टर रियाज। हु को हम कट कर देंगे और बाकी हमारा जो है सेंटेंस वैसे ही रहेगा। मिस्टर रियाज समटाइम्स फॉरगेट्स टू टेक हिज अम्ब्रेला। मिस्टर रियाज समटाइम्स फॉरगेट्स टू टेक हिज अम्ब्रेला। वेयर डिड दे गो लास्ट सैटरडे? पिछले हफ्ते वो कहाँ गए? लास्ट सैटरडे दे वेंट टू कोरंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया डी का। हु रिमेंबर टू टेक हिज अम्ब्रेला? किसको अपनी छतरी ले जाना याद रही? हु को हम कट कर देंगे और यहाँ पे आएगा मिस्टर अमीन। मिस्टर अमीन रिमेंबर टू टेक हिज अम्ब्रेला। मिस्टर अमीन को अमीन साहब को अपनी छतरी ले जाना याद रही। आगे है हु फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला? कौन अपनी छतरी ले जाना भूल गया? तो हु को कट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर रियाज। मिस्टर रियाज फॉरगेट्स टू टेक हिज अम्ब्रेला। यहाँ पे आएगा हु को कट कर देंगे, लिखेंगे मिस्टर रियाज। मिस्टर रियाज फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला। व्हेन डिड द मैच बिगिन? When did the match begin? मैच कितने बजे शुरू हुआ या मुकाबला कितने बजे शुरू हुआ? The match began at 3 o'clock. मैच 3 बजे शुरू हुआ। तो इसका आंसर हमें मिल गया। When did it begin to rain? When did it begin to rain? बारिश कब शुरू हुई? It began to rain at 3:30. 3:30 बजे बारिश शुरू हुई। What did Mr. Amin try to do? अमीन साहब ने क्या करने की कोशिश की? ही ट्राइड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला ओवर मिस्टर रियाज। और इससे भी इजी इसका आंसर हो सकता है, मिस्टर अमीन ट्राइड टू हेल्प मिस्टर रियाज। अमीन साहब ने रियाज साहब की मदद करने की कोशिश की। तो आप इसका आंसर यहां से यहां तक लिख दें। हु वेंट होम? कौन घर गया? मिस्टर रियाज वेंट होम। हु की जगह आ जाएगा मिस्टर रियाज। मिस्टर रियाज वेंट होम।